नमस्कार, SangeetaAgarwal.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बेसन से बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी बाउल में एक कटोरी बेसन करेंगे। हमने यहाँ पर बारीक वाला बेसन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बनाएंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। हमने बेसन को पानी में अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसे करीबन 6-7 मिनट तक अच्छे से फेटेंगे। बूंदी बनाते समय बेसन को फेटना बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे जैसे हम बेसन को फेटते जाएंगे ये फ्लफी होता जाएगा। हमारा एक कटोरी बेसन में एक कटोरी ही पानी लगा है। हमें बेसन को फेटते हुए करीबन 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन फ्लफी होता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना चिकना बना है और इसका हल्का कलर भी चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होना चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रखा रहने देंगे। हमारे पेस्ट को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दोबारा से 1-2 मिनट के लिए और फेटेंगे। हमारा बूंदी बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार है। अब हम एक पैन में रिफाइंड ऑयल को गरम कर लेंगे। अब हम इसमें जरा सा बूंदी का पेस्ट डाल करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि एकदम से बूंदी ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर हमें ऑयल को मीडियम गरम करना है। अब हम एक इस तरीके का पराठा सेकने वाली करछली लेंगे और करछली के ऊपर से पेस्ट को डालेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि इसमें बूंदियां अपने आप नीचे गिरती जा रही है। बूंदी का बेसन डालने के बाद आप इसे हिलाएं या चलाएं नहीं, आप देख सकते हैं कि यह अपने आप ही नीचे से गोल गोल बूंदियां बन करके गिरती जाएंगी। अगर आप इसे हिलाएंगे तो लंबी लंबी बूंदियां आएंगी। यहाँ हमने गैस को मीडियम कर रखा है। बूंदी आप इसमें इतनी ही डालें जितनी कि आपकी कढ़ाई में गुंजाइश हो, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगेंगी। ज्यादा बूंदियां ना डालें और बूंदी को 1-2 मिनट और सेकेंगे, क्योंकि बूंदी सिकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बूंदी को हमें हल्का क्रिस्प होने तक सेकना है। हमारी बूंदी हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जब आप बूंदी तेल में से निकालें तो आप उस समय गैस को हल्का कर दें। हमारी बूंदी एकदम क्रिस्प बनी है, इन्हें आप बहुत ज्यादा भी ना सेकें। हमने यहाँ पर सभी बूंदियों को उतार लिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी उसके बाद इन्हें एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। इन्हें बना करके आप 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। लीजिए, हमारी बेसन की बूंदी तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।